हेलो दोस्तों, मैं जतिन गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अकेडमी प्लस में। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी स्टडी को भी एक नए और अच्छे लेवल पर लेकर जा रहे होंगे। तो आज का शो ईडियम एंड फ्रेजेस का स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पार्ट वन में हमने 10 ईडियम को ना भूलने वाले तरीके से याद किया था, वैसे ही आज भी और 10 नए ईडियम्स हम इस वीडियो में याद करेंगे। तो बने रहे मेरे साथ आखिरी तक। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हो, हम ईडियम को किसी इमेज के थ्रू या फिर उनके ओरिजिन के थ्रू लर्न करते हैं। तो आज का फर्स्ट ईडियम है हमारा किक द बकेट। किक द बकेट मीन्स टू डाई, मृत्यु होना, क्या कहलाता है आपका किक द बकेट। अब इसके पीछे की स्टोरी ये है कि जब भी कोई व्यक्ति गलत काम करता था तो उसको पब्लिक में ले जाकर ऐसे टांग दिया जाता था जैसे मैंने इमेज में दिखाया है, और नीचे बकेट रखी होती थी और फिर उस बकेट को नीचे से हटा दिया जाता था जिसके कारण वो व्यक्ति लटक जाता था और उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो इस ईडियम का ओरिजिन यही है कि किक द बकेट, बकेट को किक मारना, तो इसका मतलब क्या हो गया, टू डाई, उसकी मृत्यु हो जाना। दोस्तों अब इस ईडियम का यूज़ हम एक सेंटेंस में कर लेते हैं। व्हेन आई किक द बकेट यू विल बी एबल टू लिव ऑन माई लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट ईडियम दोस्तों, पैराडाइज ऑन अर्थ। पैराडाइज ऑन अर्थ मीन्स अ हेवन ऑन लैंड, धरती पर स्वर्ग होना। अब आप इस ईडियम को केदारनाथ की इमेज से रिलेट कर सकते हो, काफ़ी अच्छी जगह है दोस्तों, अगर आप नहीं गए हो तो ज़रूर जाना, सचमुच में ऐसा लगेगा आपको कि आप स्वर्ग में आ गए हो। तो इस ईडियम का अब एक सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। देयर इज नो पैराडाइज ऑन अर्थ इक्वल टू द यूनियन ऑफ लव एंड इनोसेंस। नेक्स्ट ईडियम, टू लीड अ कैट एंड डॉग लाइफ मीन्स टू क्वारल कॉन्स्टेंटली, लगातार झगड़ना। अब इस ईडियम की आप सबके माइंड में एक इमेज बन गई होगी कि डॉग एंड कैट जब भी आमने सामने आते हैं तो किस तरीके से झगड़ते हैं, तो वहीं से ये ईडियम आया है, टू लीड अ कैट एंड डॉग लाइफ। अब इसका सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं। द मैन एंड हिज वाइफ लीड अ कैट एंड डॉग लाइफ एंड बोथ आर मिजरेबल। नेक्स्ट ईडियम, टू स्टेयर इन द फेस, इसका मतलब कन्फ्रंट अ सिचुएशन और इशू डायरेक्टली, मतलब कि किसी सिचुएशन या इशू पर आमना सामना करना डायरेक्टली। स्टेयर का मतलब घूरना होता है दोस्तों, एक दूसरे को घूरना। अब इस इमेज से आप इसे रिलेट कर सकते हो, देखो किस तरीके से दोनों एक दूसरे को घूर रहे हैं, मतलब कि किसी सिचुएशन पर या इशू पर आमना सामना कर रहे होंगे, तो आप इस इमेज से इसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट ईडियम, अ लेडीज हैबिट। अब इसके पीछे एक अच्छी सी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना। अ लेडीज हैबिट मीन्स राइडिंग ड्रेस ऑफ अ लेडी, मतलब कि अ लेडीज ड्रेस ड्यूरिंग द राइडिंग। अब आप इस इमेज में देखो, लेडीज़ हैं जो हॉर्स राइडिंग कर रही है। अब ये 17th सेंचुरी में फ्रांस के अंदर काफ़ी फेमस हुआ था, मतलब कि ये लेडीज़ वैसे तो बहुत सारे, मतलब कि बहुत तरीके के कपड़े पहना करती थी, लेकिन हॉर्स राइडिंग के दौरान ऐसे लंबी लंबी सी ड्रेस पहन कर आया करती थी। तो फ्रांस में एक अलग से ही ट्रेंड सा बन गया था कि जब भी लेडीज़ हॉर्स राइडिंग पर जाती थी तो इस तरीके से कपड़े पहनकर आया करती थी, तो वहीं से ये ईडियम बना है, अ लेडीज हैबिट। अगला ईडियम है अ फेरी टेल, इसका मतलब होता है एन इनक्रेडिबल स्टोरी, जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते हो, एक ऐसी स्टोरी, उसे क्या बोलते हैं, अ फेरी टेल। अब आप इसको सिंड्रेला की स्टोरी से रिलेट कर सकते हो, आई होप आप सबने ये स्टोरी बचपन में खूब सुनी होगी। अब इस ईडियम का सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं, इज़ देयर एनीबडी हु कैन टेल अ फेरी टेल। नेक्स्ट, बिलो वंस डिग्निटी। बिलो वंस डिग्निटी मीन्स बिलो वंस पोजिशन, किसी की पोजिशन के नीचे होना। अब आप बहन भाई के रिश्ते से इस ईडियम को रिलेट कर सकते हो, बहन भाई का प्यार ही ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे के पोजीशन के नीचे रहते हैं, कभी भाई बहन की बात मानता है तो कभी बहन भाई की बात मानती है। तो अब इसका सेंटेंस में यूज़,
डू नॉट कंसिडर एनी हम्बल वर्क बिलो योर डिग्निटी। नेक्स्ट फेयर प्ले। फेयर का मतलब होता है दोस्तों ईमानदारी, तो इसका मतलब क्या हो गया होनेस्टी। अब इस इमेज में दो प्लेयर दिखाए हैं मैंने, आप अपने आप से भी रिलेट कर सकते हो। जैसे अगर आपको क्रिकेट देखने का शौक हो तो आपने महेंद्र सिंह धोनी को देखा होगा कई बार कि अगर किसी प्लेयर को चोट लग जाती है तो वो अपना गेम छोड़ के पहले उस प्लेयर को देखते हैं। इसी को कहते हैं ईमानदारी, गेम के प्रति ईमानदारी होना। तो फेयर प्ले मीन्स होनेस्टी। सेंटेंस में यूज, ही सेड ही वॉज अ सोशलिस्ट हु बिलीव इन जस्टिस फेयर प्ले एंड इक्विटी। अगला idiom है swelled head। swelled head means conceited या फिर an exaggerated opinion of oneself, मतलब कि घमंडी, घमंड को क्या कहते हैं swelled head। इमेज में देखो घमंड की वजह से इसका सर कितना बड़ा हो गया है, मतलब कि सूज गया है। सूजने पर भी तो बड़ा हो जाता है ना, थोड़ा मोटा मोटा सा हो जाता है, तो वहीं से ये idiom आया है swelled head। example, डोंट कॉम्प्लीमेंट हिम एनी मोर बिकॉज ही विल गेट अ swelled head। नेक्स्ट एंड लास्ट idiom दोस्तों टॉक बिग। टॉक बिग मीन्स टॉक बूस्टफुली और ओवर कॉन्फिडेंटली। जैसे आपने हिंदी में बोला होगा डींगे मारना, सेखी मारना, भाई टॉक बिग बड़ी बड़ी बातें कर देना, तो उसे क्या बोलते हैं डींगे मारना। इमेज में भी देखो मैंने दिखाया है कि दोनों साइड वाले जो है वो दोनों बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं बला 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 बला, और जो बीच वाला है वो बेचारा परेशान हो गया है उनकी बड़ी बड़ी बातें सुनकर। तो इस इमेज से आप इस idiom को याद रख सकते हो। सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं ही टॉक्स बिग बट डजंट एक्चुअली और डू एनीथिंग। तो इसी के साथ आज का शो एंड करते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।